हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैगजोन। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना थ्योरी ऑफ मशीन्स के फोर्थ गुटका के साथ। एंड यहाँ पर भी हम लोग कवर करेंगे 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट 2019। हाउएवर SSC JEE के रिस्पेक्ट में भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचाया जा सके। और इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मुझे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, मेरे कोर्सेज को अच्छा रेट रिव्यू करिए। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर अच्छा रेट और रिव्यू मिलता है तो डेफिनेटली आई गेट मोटिवेटेड फॉर मेकिंग न्यू एंड एक्साइटिंग कोर्सेज। एंड हियर आई विल बी लॉन्चिंग मेनी सच मोर कोर्सेज बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। एक बार हम लोग वो कोर्स पूरा इंग्लिश में लॉन्च करेंगे और एक बार पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ, ताकि अगर जो भी हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं या लर्नर्स हैं फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि उन लोग को थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होता है, तो और नॉर्थ इंडियंस आर कम्फर्टेबल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व मैंने किया है। और अब मैं बहुत ही जल्दी बहुत एक्साइटिंग और नए कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फॉर SSC JEE एस्पिरेंट्स, जो कि गेट और ESE के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट होंगे, हम लोग यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे शगुन वार्ष्णेय के नाम से सर्च कर सकते हो। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है। एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा 25th ऑफ दिसंबर को, जो कि हमारी क्रिसमस की ईव होगी, उस दिन हम लोग अपना एक मेगा गिव अवे करने वाले हैं। और टाइम हम लोगों ने इसलिए रात में रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सके, क्योंकि अभी तक जितने भी सेशन हुए सब में टाइम थोड़ा अटपटा सा था, तो काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाते थे। उनकी कंप्लेंट्स आती थी कि सर वी आर नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर स्लॉट, जब आपका सरप्राइज सेशन होता है या गिव अवे सेशन होता है या लाइव सेशन होता है, तो उसकी प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व कर दी है। अब रात में रहेगा टाइम, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी विल बी फ्री। एंड आई डेफिनेटली होप दैट यू विल टर्न आउट फॉर दिस सेशन, बिकॉज यहाँ पर हम लोग कुछ एक्साइटिंग गिव अवे करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट क्विकली विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। वी हैव देर आर 6 गियर्स ABCDEF इन अ कंपाउंड ट्रेन। द नंबर ऑफ टीथ इन द गियर आर 20, 60, 30, 80, 25, 75. द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रिवन टू दैट ऑफ द ड्राइवर। नाउ ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, तो ड्रिवन या नंबर ऑफ टीथ, रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रिवन, तो ड्रिवन कौन सा होगा, ड्रिवन आपका होगा एफ, तो एन एफ अपॉन NA, देखिए एंगुलर स्पीड ड्रिवन F दिया हुआ है, ड्राइवर A दिया हुआ है, तो ये क्या जाता है, दिस इज हो जाएगा 20 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 80 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30 इंटू 80 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 75, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, लेकिन हमारा जो स्पीड रेशियो होता है दैट इज ओमेगा ऑफ द मेन ड्राइवर अपॉन ओमेगा ऑफ द मेन ड्रिवन। तो यहाँ लेकिन NF अपॉन NA हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑफ मेन ड्राइवर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ द ड्रिवन। तो मेन ड्राइवर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, A, C और E, ड्रिवन कौन कौन से हो जाएंगे, B, D और F। तो ऊपर की आपको पता है N1 Z1 is equals to N2 Z2, तो जिसके RPM नीचे है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई में उसके नंबर ऑफ टीथ्स होने चाहिए। तो मतलब मेन ड्राइवर के टीथ्स हमारे ऊपर होंगे, तो जाएगा 20 इंटू 30 इंटू 25 और नीचे हो जाएगा हमारा 60 इंटू 80 इंटू 75। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 1/24, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1/24। और अगर ट्रेन वैल्यू पूछा जाएगा तो दैट वुड बी 24, क्योंकि वो नहीं सॉरी यहां से आपने निकाला NF/NA, तो यही आपका NF/NA क्या है, ये आपकी ट्रेन वैल्यू है, क्योंकि आपका जो स्पीड रेशियो होता है वो NA/NF होता है, ओमेगा ऑफ द मेन ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। तो ये आपकी ट्रेन वैल्यू है और स्पीड रेशियो हो जाएगा 24। तो यहाँ पर एक अलर्ट है, दिस इज अ हाई अलर्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं भी बीच में हिल गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने समय से देख लिया और डेटा जो है उस हिसाब से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है।
Now let us go to the next question that we have. A fixed gear having 100 teeth meshes with another gear 25 teeth. Center lines of both the gears are being joined by an arm so as to form the epicyclic gear train. The number of rotations made by the smaller gear for one rotation of the arm. Instead of making the table, I am writing directly. So a fixed gear having 100 teeth. So मान लीजिए वो fixed मेरा sun gear है. तो ns is equals to 0 या चलिए मैं टेबल ही बना देता हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग गेस वर्क लेट अस ड्रॉ अ टेबल. तो यहाँ पर मान लीजिए मेरी कंडीशन है a, इसको मैंने क्या किया है फिक्स कर दिया तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया n ऑफ द a n ऑफ s n ऑफ p. s जो हमारा है सन है प्लैनेट है ठीक है तो ये कर दिया इसको मैंने जीरो रखा इसको मैंने प्लस वन से घुमा दिया तो हो जाएगा मेरा माइनस 100/25. यहाँ फिर जीरो होगा यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4x ठीक है. फिर यहाँ y ऐड कर दिया तो यहाँ x प्लस वाई और आ जाएगा y माइनस 4x. तो यहाँ से आप देखेंगे ns दैट इज ये वाला जो है मेरा तो s एक्चुअली मैंने स्मॉलर गियर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है तो ns इज इक्वल्स टू जीरो मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू जीरो ये सॉरी ns जो s जो है मेरा वो स्मॉलर गियर है ये y एक्चुअली मेरा आर्म के लिए होता है x प्लस y जीरो हो गया तो x इज इक्वल्स टू माइनस y हो गया np जो है y माइनस 4x हो गया na आर्म के लिए y हो गया तो np अपॉन na की अगर आप देखें लेट इज द नंबर ऑफ तो np अपॉन na दैट इज y माइनस 4x अपॉन y तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5. तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर c दैट इज 5 रोटेशंस. ओके Now let us go to the next question. Balancing of a rigid rotor can be achieved by approximately balancing masses in. Now this can be achieved approximately by option number B that is two planes mein. So yahan par two planes mein hum log aisa kar sakte hain. Next, for an involute gear with pressure angle phi, the ratio of pitch circle radius to the base circle radius is. To aapko pata hai बेस सर्कल रेडियस दैट इज आर बी इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई. तो यहाँ से आपको पूछा क्या गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पिच सर्कल रेडियस टू द बेस सर्कल रेडियस मतलब आर अपॉन आर बी पूछा गया है 1/cos φ विच इज इक्वल्स टू sec φ. तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी और ये भी काफ़ी अच्छा अलर्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमें यहाँ पर नॉर्मली आर बी इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई तो लोग आर बी अपॉन आर करके कॉस फाई लगा के चले आएंगे ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ फुल लेंथ 14.5 डिग्री इन्वोल्यूट सिस्टम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टीथ इन अ पिनियन विच मेशेस विद द रैक विदाउट इंटरफेरेंस. तो यहां पर आप देखिए हम लोग को क्या निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ. तो इसका फॉर्मूला आप लोग को डेफिनेटली मुझे पता है याद होना चाहिए 2ar अपॉन साइन स्क्वायर फाई. तो ar को 1 मान लेंगे तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर 14.5. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो t जो आएगा वो 32 आ जाएगा. तो मिनिमम नंबर ऑफ t's कितने होने चाहिए 32 होने चाहिए ताकि यहाँ पर इंटरफेरेंस को रोका जा सके या फिर यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इन अ फ्लैट कॉलर पिवट बेयरिंग द मोमेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन इज प्रपोर्शनल टू. नाउ द मोमेंट ड्यू टू द फ्रिक्शन इज प्रपोर्शनल टू ऑप्शन नंबर सी. हम लोग अगर आप लोग को याद हो तो t इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू सॉरी 2/3 म्यू डब्ल्यू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. शायद इसमें कुछ गड़बड़ी मे बी मतलब लेकिन यहाँ से हम लोग को देखना है कि इट इज़ प्रपोर्शनल टू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब. ये मशीन डिज़ाइन का वैसे ये सेक्शन आ गया अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया. इन इन्वोल्यूट गियर द प्रेशर एंगल इज प्रेशर एंगल क्या होता है हमेशा कॉन्स्टेंट होता है इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है. तो यहाँ ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज True
for involute gears. Interference is inherently absent. Variation in the center distance of the shaft increases radial force. A convex flank is always in contact with the concave flank. Pressure angle is constant throughout the teeth. अब यहाँ से अगर आप देखें तो प्रेशर एंगल हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहता है थ्रू आउट द टीथ. तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है या तो आपको डी ही लिखना पड़ेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इज पूछा है तो मतलब डेफिनेट सी बात है एक ही ऑप्शन सच्चा होने वाला है, मतलब बाकी सब फॉल्स होंगे. तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फॉर द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिशन बिटवीन द टू गियर्स द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर. अब यहाँ पर सही वाला बताना है. फॉर इन्वोल्यूट गियर द प्रेशर एंगल चेंजेस विद द चेंज इन सेंटर डिस्टेंस. ये तो होता ही नहीं है, तो मतलब आपका टू जो है ये तो फॉल्स हो गया. ठीक है, ये आपका फॉल्स हो गया. तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डेफिनेटली आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा और ये आपका फॉल्स है. तो बिना देखे ही आप आगे के क्वेश्चंस मतलब देखिए मत और धड़ से लगा दीजिए 1, 3 and 4. ओके, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 तो हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारे इन्वोल्यूट के केस में प्रेशर एंगल हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अ फिक्स्ड गियर हैविंग 200 टीथ इज इन मेश विद द अनदर गियर हैविंग 50 टीथ. द टू गियर्स आर कनेक्टेड बाय द आर्म. द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ द आर्म अबाउट द सेंटर ऑफ द बिगर गियर. तो यहां आपको दिया हुआ है टीथ्स ऑन द गियर है 200, टीथ्स ऑन द पिनियन है 50. और आपको बताए NPZP इज इक्वल्स टू NGZG. तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इट इज कमिंग आउट टू बी 5. ठीक है, सो द नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द स्मॉलर गियर दैट इज पिनियन. NP जो हो जाएगा इट वुड बी NGZG अपॉन ZP. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर D. Next is an involute pinion and gear are in mesh. If both have the same size of addendum, there will be an interference between the. Now there will be an interference between the tip of the gear wheel and the flank of the pinion. तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा A. ये आप याद रख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है. तो इंटरफेरेंस कहाँ कहाँ होगा? इंटरफेरेंस बिटवीन द टिप ऑफ द गियर एंड फ्लैंक ऑफ द पिनियन. और फ्लैंक जो पोर्शन होता है बिलो द बेस सर्किल होता है और फेस जो होता है वो अबव द बेस सर्किल हो जाता है. तो ये हो गया यहाँ पर हमारा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर. मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है. हेलिकल, हेरिंग बोन, वॉर्म और हाइपोइड. यहाँ पर हमें मिलाने ए बी सी डी में. तो आपको पता है हेरिंग बोन में 0 एक्सियल थ्रस्ट होता है. ठीक है, और हाँ वॉर्म गियर्स जो होते हैं दे आर यूज फॉर एक्सट्रीम स्पीड रिडक्शन. तो सी जो है हमारा 4 हो जाएगा, तो सी 4 यहाँ आ रहा है. ठीक है, और हमारा हेरिंग बोन में क्या होता है, नो जीरो एक्सियल थ्रस्ट, तो बी 2 होना चाहिए. बिल्कुल बी 2 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी. ये भी हमारे गेट 2019 के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. द वर्क सर्फेस अबव द पिच सर्फेस ऑफ द गियर टूथ इज टर्म्ड एज. अबव द पिच सर्फेस, सॉरी हाँ मैंने वहाँ बेस सर्किल बोल दिया था, लेकिन पिच सर्फेस होता है एक्चुअली, सॉरी पिच सर्फेस के ऊपर होता है फेस और नीचू होता है फ्लैंक. तो ऊपर हो गया फेस, नीचे हो गया फ्लैंक, अबव द पिच सर्फेस हो गया हमारा फेस. तो यहाँ ऑप्शन सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगर सिंपल गियर ट्रेन में नंबर ऑफ आइडलर गियर्स आर ऑड तो क्या हो जाता है? आप लोगों को पता है अगर आइडलर गियर्स ऑड हो गए तो द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ड्रिवन गियर विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द ड्राइविंग गियर. तो हो जाएगा हमारा अपोजिट, और इवन होता है तो सेम हो जाता है. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ द रिवर्टेड गियर ट्रेन. तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में तो जो हमारा फर्स्ट होता है और लास्ट गियर्स होते हैं वो कोएक्सियल होते हैं. द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर्स आर कोएक्सियल और दे लाई ऑन द सेम शाफ्ट. ठीक है, तो यहाँ द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर्स आर ऑन सेपरेट बट कोएक्सियल शाफ्ट. ठीक है, देखिए द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर्स आर ऑन द सेम शाफ्ट. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर इज अपोजिट. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट गियर इज सेम.
तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो आउट ऑफ द फोर ओनली चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड द लास्ट गियर्स आर ऑन द सेपरेट बट कोएक्सियल शाफ्ट। शाफ्ट अलग अलग होती है लेकिन दोनों कैसी होती है, कोएक्सियल शाफ्ट्स होती हैं। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। When the two spur gears having involute profile on their teeth engagement, the line of action is tangent to the, तो यहाँ the line of action is tangent to the base circle of the gears। तो हम लोगों ने directly अपना theory में पढ़ा हुआ है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि we are updating our notes, तो बहुत जल्दी next session में आप लोगों को हमारे बिल्कुल updated notes मिलेंगे। जो लोग बोलते रहते थे इस coaching के हैं उस coaching के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सारे material को अपडेट किया जा रहा है, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड हैंड रिटन नोट्स विथ इवन बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी फॉर गेट 2020। और हमारी वेबसाइट भी अपडेट हो रही है, काफ़ी चीज़ें नई हम लोग करने वाले हैं उसमें, एंड वी विल डेफिनेटली होप दैट यू विल सपोर्ट अस इन एवरी स्टेप एंड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम मैगजोन फॉर ऑल द पीपल ऑफ नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द ग्लोब जो कि हमारे चैनल को देखते हैं। Now next question देखिए, certain minimum number of teeth on the involute pinion is necessary in order to, now minimum number of teeth क्या होता है, mainly तो हमारा होता है to avoid the interference, तो यहाँ पर हो गया to avoid the interference। Next question देखिए, the velocity ratio between the pinion and the gear drive is 2.3, the module of the teeth is 2 mm, the sum of the number of teeth on pinion and gear is 99, what is the center distance, तो यहाँ पर आपको पता है center distance is equals to m by 2 into teeth of the pinion plus teeth of the gear, तो यहाँ हो जाएगा module कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है by 2 into 99, तो हो गया सीधा सीधा 99 खत्म, answer is 99 mm होना चाहिए वैसे तो normally, ठीक है 99 mm हो जाएगा हमारा, यहाँ मीटर दिया हुआ है तो प्लीज मेक अ करेक्शन, इट विल बी 99 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल गियर विद 60 टीथ मेशेस विद अ पिनियन ऑफ 20 टीथ मॉड्यूल बीइंग 6, सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस m by 2 t1 plus t2, दिस वुड बी सिंपली इफ यू सॉल्व इट इज कमिंग आउट टू बी 120 mm, तो यहाँ हो गया सही ए ऑप्शन। तो लेट अस गो टू द last set of questions, a gear having 100 teeth is fixed and the other gear having 25 teeth revolves around it, the center lines of both the gears being joined by an arm, how many revolutions will be made by a gear of 25 teeth for one revolution of the arm, तो यहाँ पर ये वही वाला वैसा ही question है जैसे कि हम लोग अपना table level बना के solve करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इस question को हम लोग बहुत simple तरीके से भी solve कर सकते हैं, NP into ZP is equals to NG into ZG, तो यहाँ से जो हमारा NP हो जाएगा that is NG ZG upon ZP, तो जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 6, ठीक है डायरेक्टली हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6। तो अगला देखते हैं, the number of degrees of freedom of a epicyclic gear train, तो epicyclic gear train की DOF कितनी होती है, तो epicyclic gear train की जो हमारी DOF होती है वो हमेशा कितनी होती है 2, ये चीज़ मैं आप लोगों को अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, ये शॉर्टकट भी आप इसे शॉर्ट ट्रिक क्या है एक तरीके मतलब एक रट्टाफिकेशन टाइप का चीज़ है जो आप अगर याद रख लोगे तो डायरेक्टली, अगर आपने डायग्राम भी देख लिया epicyclic का तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली 2 लगा सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन गेट 2019 के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी, टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, टेस्ट में अच्छे नंबर अगर नहीं भी आ रहे तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके शुरू से बहुत अच्छे नंबर आए तो फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छे नंबर आए, बस हमें अपना पेस बनाए रखना है, धैर्य को खोना नहीं है और अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना है, नेगेटिविटी से दूर रखना है, अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है और जितना कोशिश हो सके प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है और साइक्लिक रिविजन भी उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।